पहले, मतलब 27 मार्च को हो जाएगा गुड फ्राइडे, 29 के 40 दिन बाद में आ जाएगा इनके असेंशन संडे। सिंपल सा तरीका ये निकालने का। याद रखे, कोई गुड फ्राइडे को कभी किसी ईसाई को बधाई मत दे देना, ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी उनके मृत्यु का दुख का दिन है। एक तो कभी मुहर्रम की 10 तारीख को जब ताजी निकलते हैं, मुहर्रम भी बोलते हैं उसको, उसकी कभी किसी को बधाई मत दे देना, एक गुड फ्राइडे की मत दे देना। मुझे याद है बीजेपी की गवर्नमेंट नई नई आई थी 2014 में, और कल्चरल मिनिस्टर हुआ करते थे महेश शर्मा, उन्होंने गुड फ्राइडे वाले दिन अपने ट्विटर अकाउंट पे लिख दिया था कि आज गुड फ्राइडे के शुभ अवसर पर दुनिया के तमाम ईसाई समाज को मैं अपने हृदय के अनंत तल से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। लोगों ने कहा ये देख लो बीजेपी वालों का, ये ईसाइयों का तो इस दिन संस्थापक था, उसकी मृत्यु हुई तेरी बधाइयां बांट रहे। उसने कहा यार मुझे क्या पता गुड फ्राइडे लिखा हुआ है तुम्हारे, बेड फ्राइडे कर लेते इसको। तो याद रखना भाई, कोई बधाई वधाई मत देना, उनके दुख का दिन होता है। तो गुड, तो 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म, 1 जनवरी ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति, गुड फ्राइडे ईसा मसीह की मृत्यु, ईस्टर ईसा मसीह का वापस आना, असेंशन डे ईसा मसीह का वापस आना, ये सारे धर्मों के त्योहार मैंने पढ़ा दिया आपको।